अजय राघवानी के लिए सिरदर्द बनी है अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह जब तक पवन सिंह के खेमे में थी, मानो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अक्षरा सिंह में कुछ टैलेंट ही नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से अलगाव क्या किया, अक्षरा सिंह का टैलेंट ऐसा फूट कर बाहर आया कि अब भोजपुरी की हर बड़ी हीरोइन उनसे कहीं न कहीं कन्नी काटने लगी है, या यूं कह ले वो भोजपुरी हीरोइनों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। जी हाँ, पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद ये लगा था कि अक्षरा सिंह कब आई और कब चली गई वाली कहानी हो जाएंगी। कहाँ किसी को पता था कि अक्षरा सिंह टिकेंगी भी और डटी भी रहेंगी। लेकिन अगर इन सब में किसी को कहीं भी घाटा हो रहा है तो वो कोई और नहीं है, वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी की पटती तो आम्रपाली दुबे से भी नहीं है। अगर आपको यकीन न हो तो लल्लू की लैला वाली स्टोरी तो आपको याद ही होगी। कहां पहले इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी की तिकड़ी दिखने वाली थी, और कहां अब इस फिल्म से काजल राघवानी का पत्ता साफ कर दिया गया है और उसकी जगह किसी और हीरोइन को ले लिया गया है। खैर, ये तो काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे का 36 के आंकड़ा वाला मुकाबला तो काफी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन इस मुकाबले में अब अक्षरा सिंह भी कूद पड़ी है। वैसे अक्षरा सिंह और काजल राघवानी की भी कभी अच्छी नहीं पटी। वो शायद इसलिए कि कभी अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव की फेवरेट हुआ करती थी। कभी ऐसा आलम भी था जहां आज खेसारी लाल यादव की फिल्मों में हर जगह काजल राघवानी दिखाई देती थी, तो पहले ये आलम था कि काजल राघवानी की जगह अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ नजर आया करती थी। लेकिन जैसे ही अक्षरा सिंह और खेसारी का ब्रेकअप हुआ, अक्षरा सिंह की जगह काजल राघवानी ने ऐसे ले ली मानो कि अक्षरा सिंह कभी खेसारी लाल यादव के साथ थी ही नहीं। लेकिन जब से पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का ब्रेकअप हुआ है, काजल राघवानी के लिए ये सिर दर्द का मामला हो गया है, क्योंकि आजकल अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव की ट्यूनिंग को पब्लिक कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही है। ऐसे में नहले पे दहला काजल राघवानी ने भी मारा। आपको तो याद ही होगा कि पवन सिंह के साथ जब अक्षरा सिंह रिश्ते में थी, तब अक्षरा सिंह ने लगातार पवन सिंह के साथ 4 फिल्में शायद की थी और इन 4 फिल्मों में अक्षरा सिंह ही उनकी हीरोइन थी। लेकिन जैसे ही उनका और पवन सिंह का रिश्ता बिगड़ा, पवन सिंह ने अपनी सारी फिल्मों से अक्षरा सिंह को आउट कर दिया और इन्हीं 4 फिल्मों में से एक फिल्म थी मैंने उनको सजन चुन लिया, और अब इस फिल्म में लीड रोल में काजल राघवानी नजर आएंगी, जो कि इस फिल्म में लीड रोल में कभी अक्षरा सिंह नजर आने वाली थी। भले ही काजल राघवानी को भोजपुरी इंडस्ट्री की शांत और सबसे प्रोफेशनलिस्ट एक्टर कहा जाता हो, लेकिन आपको हम बता दें कि काजल राघवानी भोजपुरी की आमिर खान से कम नहीं है। जी हाँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो काजल राघवानी को भोजपुरी का आमिर खान कहना चाहिए। आमिर खान को ही देख लीजिए, रिश्ते सभी से बनाकर चलते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह का काम चाहिए वो बस वही जानते हैं। इसीलिए शायद काजल राघवानी को भोजपुरी का आमिर खान कहना चाहिए। खैर, हम आपके पास वापस आते हैं टॉपिक पर, क्यों काजल राघवानी के लिए सिरदर्द बनी है अक्षरा सिंह। अब भाई, अक्षरा सिंह के साथ जब खेसारी लाल यादव की जोड़ी फिट हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि इन दोनों की फिल्म बबुआ बवाली भी आ रही है, तो अब आप समझ सकते हैं अभी तक ये जोड़ी स्टेज शो पर आग लगा रही थी और एक आइटम सॉन्ग करके, यानी कि धोखा देती है वाला आइटम सॉन्ग करके इस जोड़ी ने वो आग लगाई है, और अब भोजपुरी का हर बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जोड़ी को अपनी फिल्म में लेना जरूर चाहेगा। कहीं न कहीं वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये जरूर जानता होगा कि ये जोड़ी घाटे का सौदा तो होने वाली नहीं है। सो इसलिए ये मामला भी आ सकता है कि काजल राघवानी अब सेकेंड ऑप्शन बन जाए खेसारी लाल यादव के लिए, और इसलिए भी
अब ये कहना गलत नहीं होगा कि काजल राघवानी के लिए अक्षरा सिंह बड़ा और सबसे बड़ा सिरदर्द 2019 में बन सकती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।